हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बंजारा ऑन व्हील्स। सो आज हमारा डे वन स्टार्ट हो रहा है। डे वन स्टार्ट कर रहे हैं हम धारचूला से। सो ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी आज से डेढ़ दिन पहले, परसों रात को 12 बजे मैं और एक और ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर और फोटोग्राफर नेहा हमारे साथ है बेंगलोर से। सो हम लोग निकले थे परसों रात को 12 बजे दिल्ली से। कल शाम तक उधेड़बुन में हम थके पिटते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। रात को 9-10 बजे पहुँचे, तो शूट करने का इसलिए नहीं बना क्योंकि एक नॉर्मल रूट था सीधा साधा। पीछे की जर्नी आप देख लोगे, अभी मैं साइड बाय साइड आप देख पाओगे, जिसमें कल हमने जो रूट लिया था वो था मुरादाबाद खतीमा होते हुए फिर पिथौरागढ़ और उसके बाद हम धारचूला पहुँचे रात को। तो रास्ता काफ़ी अच्छा है, एक दो जगह निकनैक थे जहाँ पर बुटैलनैक हो रहे थे, रूट्स बन रही थी और उसमें हमें एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे रुकना पड़ा। तो ओवरनाइट ड्राइव करने में बहुत ज़्यादा थकान हुई। यहाँ का वेदर आज बहुत अच्छा है, कल तक सुनने में आया था यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी ऊपर यहाँ से धारचूला से ऊपर, और टेम्परेचर बहुत ही कम था। आज पूरी सनी डे निकला हुआ है और अब भी बज गए 11 सुबह के। हमारा प्लान कुछ और था यहाँ से निकलने का डुकटू विलेज का, बट लेकिन अभी भैया ने बोला है कि आज के दिन निकलने के लिए लेट हो गया है, तो आज हमने दूसरा प्लान भी अपना एग्जीक्यूट कराया, भैया ने बनाया यहाँ पे, एक अभी मिलवाता हूँ आपसे। तो हमारा कुछ ऐसा बन रहा है कि हम जाएंगे नारायण आश्रम, जो कि यहाँ से अराउंड 60-65 किलोमीटर्स के आसपास है। तो बढ़ते हैं आज के दिन में और शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फाइनली अभी हम पहुंच गए जाजर देवल, पिथौरागढ़ क्रॉस करके अराउंड होगा 10-15 किलोमीटर। यहाँ पे गए हमने दाल चावल विद भांग की चटनी, तो उसका जो स्वाद था ना, जो स्पाइसीनेस थी, मज़ा बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था। और सब कुछ यहाँ पे चूल्हे पे बना हुआ है A to Z। अभी हमने चाय मंगाई है, चाय पियेंगे फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। है ये नदी यहाँ पे, इधर की तरफ ये इंडिया है और वो सामने एक रोड जा रही है वो है नेपाल, वहाँ से जस्ट अभी एक गाड़ी गई है उधर की तरफ। सो क्या अमेजिंग फीलिंग है ना यहाँ पे, बता नहीं सकते, बहुत सही फील आ रहा है। पहली बार इतने बॉर्डर के किसी के नज़दीक है हम। ये भैया है धनसिंह बिस जी, जिन्होंने हमें बताया कि आपको नारायण आश्रम जाना चाहिए आज, तो आज हम कोशिश करने वाले हैं नारायण आश्रम की। थैंक यू भैया। तो हम फाइनली अब निकल चुके हैं और आगे एक घंटा हो गया मैं निकले ऑलमोस्ट। और जैसा कि आप लोग को सबको पता ही होगा, अभी रिसेंटली लाहौल वैली में पूरा एक विलेज मतलब कोविड पॉजिटिव निकल के आया। तो जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि मास्क लगाएं, मतलब आप गाड़ी के अंदर हो स्टिल ओके, ठीक है। ये मैसेज मैं स्पेशली इसलिए दे रहा हूँ सिर्फ कि हम लोग ना मास्क उतरने के बाद भी नहीं लगाते, उतरने के बाद आप लगा लो, कहीं पॉपुलेटेड जगह पे हो तो आप लगा लो, कहीं आप आइसोलेटेड होते हो तो ना लगाओ, फिर स्टिल ओके है, ठीक है। और अब वैली के अद्भुत नज़ारे देखो, मैसेज हो गया, ठीक है। चलिए होती है मुलाकात, बाय। खाने पीने का प्रबंध तो करके लाए हो सब? सब लाए, नहीं तो आगे से और ले लेंगे। अच्छा,
कॉल्स की ना झड़ी लग गई है, आते ही जा रहे हैं बार 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 बार, बड़ा ही यूज़ सा है ये तो। वैली को चीरते हुए जा रहे हैं अंदर ही अंदर दोनों पहाड़ों के बीच में, नदी के सहारे से रास्ता यूं 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 चलता जा रहा है। वहां पे कैसे जाएंगे? ये नारायण आश्रम जाना है, वो किधर से जाएंगे? ये वो रोड दिख रहा है आपको वहां पर, ये वाला? हां उसी जा रहा है। ठीक है ठीक है, कितना दूर है ये? वो सामने जो हिल दिख रहा है ना, हां वो वाले हिल पे जाना है। हां रास्ता इधर से है लेकिन, हां रास्ता ऐसे करके इस रिवर पर, अच्छा इस रिवर से क्रॉस हो जाएगी, चढ़ते जाएंगे। ठीक है, जाना है वो सामने दिख रहा है ना बीच वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, वहां कुछ अभी रास्ते में कुछ खाने को मिल जाएगा? अरे नहीं, नॉर्मल दाल रोटी जो भी मिल जाए, है ना? हाँ बस बस बस, बहुत है। ठीक है जी, थैंक यू। फुल रास्ते ऑफ रोडिंग चल रही है इस वक्त, रोड तो है ही नहीं, सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं। चढ़ रही है ऊपर, सही था ये वाला, ये वाली चढ़ाई। फुल ऑफ रोडिंग फील के मजे हो रहे हैं यहाँ पे, रास्ते खराब से बहुत खराब, 2x2 कार के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है लेकिन हो जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो तो बस। यहाँ पे छोटी सी टनल आई है, बस क्रॉस कर रहे हैं, बहुत ही निक्की सी है, शुरू होने से पहले खत्म खत्म खत्म। तो यार हम रुके हैं यहाँ पे अपना कुछ खाने के लिए, भूख लग रही थी एक्चुअली। हम लोग ने ना कल भी कुछ खास नहीं खाया, शाम को खाने को कुछ खास मिल नहीं पा रहा था वहाँ पे, तो हमने ऐसे ही अपना स्नैक्स खा के काम चला लिया। दिन में तो हमने खाया था, आपको कल दिखाया था, तो आज हमने सोचा रात में कुछ मिले ना मिले इससे पहले शाम को कुछ खा लो। तो शाम के ऑलमोस्ट 3:30 बज गए हमें आते आते, तो एक जगह पर हमने ब्रेक लिया है और यहाँ पर हमारे लिए बन रही है चाउमीन और अंडे, और यहाँ कुछ अनोखा सा चल रहा है, मतलब इस जगह के अंदर ना बिलीव नहीं होगा आपको, कुछ ऐसा दिखाता हूँ मैं। फूल चल रहा है, हम निकले खेत गाँव से, हाई लो बहुत कुछ है यहाँ पे। यहाँ से आगे दिखा रहा है नारायण आश्रम राइट में 26 किलोमीटर, पंचाचुली 38, काला पानी राइट में 110 और सोबला 5 किलोमीटर सीधे। तो हमें जाना है राइट खेत गाँव के बाद 26 किलोमीटर के लिए नारायण आश्रम। तो हम आ रहे हैं इधर पीछे से
और अभी नारायण आश्रम की तरफ राइट वाला कट लेंगे, जो रास्ता अपना कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहा है, और सीधे ये अपना डुक्टू विलेज की तरफ जा रहा है जहां हम कल जाएंगे होपफुली। वाले बड़े बड़े पहाड़, चांद निकला है, शाम के बज गए 5 और हम बहुत ही धीरे 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 वैली में नज़ारे सोख करते हुए आए। इस रास्ते पर सिर्फ हम चल रहे हैं और कोई नहीं है इस वक्त। पिछले 5 किलोमीटर से तो मुझे एक भी बंदा नहीं देखा आता जाता। हालांकि अभी हमने कुछ लोगों को, 2 आंटी जा रही थी उनको लिफ्ट दी थी 2-3 किलोमीटर की। तो ये जगह पूरी तरीके से मुझे स्पीति वैली की याद दिला रही है। ये जो एरिया है ये आता है कहीं नाको के आसपास, इस तरीके की हाइक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बढ़िया उसी तरीके का मतलब लैंडस्केप आ गया है यहाँ पे। बहुत ही प्यारा नज़ारा और बिल्कुल दिल खुश हो गया इस टर्न के बाद से तो ना। और यहाँ थोड़ी रोड भी अच्छी हो गई एकदम से थोड़ी थोड़ी। जब से हम चढ़ ही रहे हैं सिर्फ, मतलब मस्त ठंडा होगा। मैं नहीं ना आ रही हूँ रात को उस ब्रिज के बाद से, सुबह ही ना आऊंगी मैं। यहाँ पे तो रात में सच में नहीं चलने वाला है। नहीं इतनी दिक्कत आ रही है। हाय भाई लोग, तो अब हम पहुंच चुके हैं नारायण आश्रम और शाम के बज चुके होंगे 7। काफ़ी ऑफ रोडिंग थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। किसी को भी एडवाइस करूंगा रात में मत पहुंचना। रास्ता ख़राब था थोड़ा सा, तो काम भी चल रहा था इस वजह से हमें रुकना पड़ा, इसलिए हमें लेट हो गया। अर्ली मॉर्निंग निकलो कभी भी धारचूला से निकलते हो। और जगह कितनी औसम है वो सुबह दिखाएंगे, इसमें क्या है और हम जहाँ रुके हैं वो दिखा देता हूँ। ये रूम है जो कि बहुत पुराना वेक है, लकड़ी का बना हुआ है और इसमें बढ़िया बेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। और कुछ लोग थक के चूर हो चुके हैं यहाँ पे, हालत ख़राब है उनकी। इधर हमारे वॉशरूम है, काफ़ी लंबा चौड़ा सा है कुछ। बाकी बस अब हम थोड़ा सा फ्रेश होके बस खाना खाने जा रहे हैं और देखते हैं खाने में क्या बनाया है यहाँ पे। खाना हमारा तैयार है, आलू की सब्जी, रोटी और अचार प्लस पापड़। अंकल जी गर्मा गर्म खाना खिला रहे हैं हमें रात में, शुक्रिया अंकल जी।